एक गांव में मैं गया, वहां के गांव में मैंने देखा किसी भी घर में तो शायद दरवाजा नहीं, और झोपड़े जैसे घर, कोई भी घर कहलाने लायक स्थिति में था नहीं। 10 फीट 12 फीट का उनका छोटा सा झोपड़ा, उसी में 5-6 लोगों का परिवार रहता, पता नहीं कैसे रहता, मेरी कल्पना के बाहर। फिर उस गांव के सरपंच के घर में मैं गया तो सरपंच का घर भी वैसा ही। फिर सरपंच के घर में मैं गया तो मैंने सोचा उससे कुछ मैं बात करूं, तो मेरे साथ मेरे कई कार्यकर थे जो उड़िया भाषा बोलते हैं, तो मैंने उनको कहा जरा सरपंच को बुलाओ। तो उन्होंने कहा वो आएगा नहीं, आप उसके घर चलो। तो मैंने कहा चलो, तो हम गए सरपंच के घर। तो सरपंच को जब हमने आवाज दिया, क्योंकि दरवाजा तो था नहीं तो हम क्या कहते, खटखट तो कर नहीं सकते, कुछ सांकल थी नहीं, आवाज दिया तो उसकी पत्नी बाहर आई। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि उस बहन के शरीर पर 2 मीटर भी कापड़ नहीं जिससे वो अपने पूरे शरीर को लपेट सके, 2 मीटर भी कापड़ नहीं। फिर मैंने उसको कहा कि आप बाहर मत आओ, आप अपने अंदर जाओ, अपने पति को बाहर भेजो। तो वो बहन अंदर गई तो थोड़ा देर लगे उसके पति को बाहर आने में। तो मैं सोच रहा था क्यों बाहर नहीं आता, तो मुझे इतना तकलीफ हुई और मैं रो दिया उस दिन कि जो कापड़ लपेट कर पत्नी बाहर आई थी वही कापड़ पहन के पति बाहर आए। इतनी भयंकर गरीबी में हिंदुस्तान के कोटि कोटि लोग रहते हैं, और जो 11 कोटी परिवारों में संडास की व्यवस्था नहीं है उन परिवारों की माताओं बहनों को संडास के लिए सड़क के दोनों बाजू बैठना पड़ता है। मैं पूरे देश में एक एक गांव से दूसरे गांव घूमता हूं, मुझे बहुत दुख होता है कि जब मैं किसी गांव में जाता हूं और मेरी गाड़ी की हेडलाइट सड़क पर पड़ती है तो किसी बहन को किसी माता को खड़े होना पड़ता है, फिर मेरी गाड़ी गुजर जाने के बाद फिर बैठना पड़ता है। कोई मुझसे पूछता राजीव भाई आपकी जिंदगी में सबसे खराब समय कौन सा होता, वही समय मैं सबसे खराब मानता हूं। मैं मेरे ऊपर यही सोचता रहता हूं कि मैं किस देश में पैदा हुआ, जिस देश की माताओं बहनों को उनकी जिंदगी के नितांत निजी क्षणों को भी हम कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे आजादी के 50 वर्ष अपने। वो क्या बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मां हम गरीब क्यों हैं? तो कान में मेरे शब्द पड़ गए। मैंने कहा ये इस तरह का प्रश्न कोई अपनी मां से पूछे तो मुझे लगा ये कोई साधारण लोग नहीं है, कुछ तो इनमें असाधारणपन है, चल के पूछा जाए कौन लोग हैं, परिचय लिया जाए। तो मैं गया उस दुकान पे, मैंने पूछा आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तात्या टोपे के परिवार के लोग। हमारे देश में तात्या टोपे के परिवार के लोगों को चाय बेचनी पड़ी और गद्दारों को सिंहासन मिले, ऐसा ये देश हो गया। जिन लोगों ने तात्या टोपे को मरवाया था वो इस देश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको मालूम है, और एक एक राज्य के नहीं दो दो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तात्या टोपे का गुप्त पता जिन गद्दारों ने अंग्रेजों को बताया था उस खानदान के कई लोग इस देश में मंत्री रह चुके हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जिन्होंने मरवाया था वो इस देश में मंत्री रह चुके हैं, और तात्या टोपे जिन्होंने जवानी लगा दी देश के लिए उनके परिवार के लोग चाय बेच रहे हैं। शहीदों की शहादत से खिलवाड़ करना, शहीदों की शहादत का मूल्य लगाना, शहीदों की कुर्बानी का मूल्य लगाना, ये राष्ट्रद्रोह का काम है, और ऐसे राष्ट्रद्रोह के काम करने वाले लोगों को, नेताओं को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं आपसे इसी निवेदन के साथ अपना व्याख्यान खत्म कर रहा हूं कि ये इतने बड़े प्रश्न हैं जो आपके बीच में मैंने उठाए हैं, इनका जवाब तलाशिए। मिलकर अगर हम जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी, और आने वाली पीढ़ी जब हमसे सवाल पूछेगी तो शायद हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज मेरा दिल बहुत भरा हुआ है, ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं, इसलिए आपसे माफी चाहता हूं और विदा चाहता हूं। इस देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो और उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई वादा नहीं।